मैं वैसे भारतीय जनता पार्टी से हूँ। अब ये कौन है बे? और मैं उपाध्यक्ष हूँ यहाँ की, ठीक है, बनी पार्क मंडल की, महिला मोर्चा की हूँ। मैं उपाध्यक्ष बनी हूँ, अभी 1-2 महीने हुए मुझे। समझ गया। क्या कर रहे हैं मोदी जी का काम बताएंगे कुछ? मैं नहीं बताऊंगा। मोदी जी ने तो बहुत अच्छा काम किया है, क्या नहीं किया ये पूछ लो हमसे। ये फंस गया। आप बता ही दीजिए, तीन बताइए। भैया मेरा मुंह तो निकल गई, क्या बताऊं भैया। तीन, अभी तो उन्होंने मेट्रो स्टेशन इतने अच्छे वो चलाए थे ना, अभी अभी जो मोदी जी ने काम कराया, इतना अच्छा काम कराया कि हर किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है। तीन नहीं, बहुत सारे काम है यहाँ। आप तीन तो बताओ, हम तीन पूछते हैं कई बार लोगों से। तीन बता रही हूँ मैं आपको। मोदी जी ने अभी इतने ऋण माफ के लिए बोला था, गहलोत सरकार ने हम ऋण माफ करेंगे नहीं करे थे, पर उन्होंने मोदी जी ने रिक्वेस्ट की तो मोदी जी ने पहला काम हुआ उनका। दूसरा दूसरा भी अभी उस दिन वो चला था अभी बीच में इसका। अबे जल्दी बोल। कार्य प्रगति पे था वो भी मोदी जी ने ही करवाया था, किसी पैसों के चक्कर में अटका हुआ था काम। अच्छा 10 करोड़ का उन्होंने पूरा करवाया। अरे बाप रे बाप, पीएम 10 करोड़ का काम। और तीसरा? तीसरा भी करवाया। आप दो सुन लिए, बहुत है, दो मोदी जी के बहुत कारनामे हैं। आप तो खुद ही भारतीय जन आप तो खुद ही भारतीय जन ये क्या है आप न्यूज चैनल? कम से कम चुनाव आ रहा है भारतीय जनता पार्टी की, और कायदे से काम तो बताओ, और लोगों को हमको 10 में इतना सारा काम करवाया, धन्य हो गया सिविल। क्या बढ़िया था गुरु। ये दिल्ली में रहती हो? यस। क्या करती हो तुम? अभी तो हम स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, किस क्लास में? 10th क्लास। 10th क्लास गवर्नमेंट स्कूल में? 11th में आए गवर्नमेंट स्कूल में। ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये केजरीवाल की सर, जब से तुम पढ़ रही हो, केजरीवाल की सरकार आई है, गवर्नमेंट स्कूल में कुछ सुधार हुआ कि झूठी? देखो मेरे को तो फेक लग रहा है, क्योंकि मेरे को बिल्कुल बिलीव नहीं है केजरीवाल पे। मेरे हमारे क्या पूरे परिवार को कभी बिलीव हुआ ही नहीं केजरीवाल पे, क्योंकि उन्होंने कुछ बदलाव किया ही नहीं। अभी बदल है भाई, अभी बदल है। एजुकेशन भाई, दिल्ली का एजुकेशन, सरकारी स्कूल के टीचरों को उसने मोटिवेट किया, कोई टीचर नहीं बदला अरविंद केजरीवाल ने, एक भी टीचर नहीं बदले। उन्हीं टीचरों को मोटिवेट किया कि देखिए आपकी बदनामी हो रही। गुरु का जो ओहदा होता है, जो एक सम्मान होता है, वो सरकारी टीचर खो रहे हैं। उनको इंग्लैंड भेजा, विदेश भेजा पढ़ने के लिए टीचरों का, वो टीचर 6-6 महीने सरकारी पैसा से विदेश पढ़ कर आए, तो वहाँ उन्हें स्टैंडर्ड फॉलो किया, और आज वहाँ दिल्ली में करोड़पति लोग बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से अपना नाम कटवा के सरकारी स्कूल में आ रहे। स्कूल में कुछ नहीं? नहीं, कैमरे लगवाए वो भी ना के बराबर, जिस उसको बच्चे उसको फोड़ देते हैं। कोई रूल बच्चे फोड़ देते हैं उसमें दूर नहीं, लेकिन उन्हें चेंज करवाना चाहिए था। दीदी वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी वाह दीदी, दीदी। और फिर बहुत सी चीजें ना ठीक नहीं करवाई। पढ़ाई लिखाई सही है? ठीक है। अरे कहना क्या चाहते हो? पहले से सुधरी है या नहीं? इम्प्रूवमेंट है पहले से। हाँ थोड़ा बहुत, थोड़ा पहले से काफी इम्प्रूवमेंट है। ये तो करी कुछ नहीं किया। नहीं, अकॉर्डिंग टू मी इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट स्कूल का कुछ अलग ही सुना था सिनेरियो, बट जब मैं गई तो मुझे अच्छा लगा। केजरीवाल ने ठीक किया? हाँ किया है ठीक, मैं तो सपोर्ट में हूँ कि हाँ उन्होंने ठीक किया है, क्योंकि काफी चीजें चेंज हुई है केजरीवाल के आने से, काफी चीजें चेंज हुई है। तुम दोनों सहेली हो? हाँ सहेली है। गजब बेइज्जती है। तुम्हारे हिसाब से कौन पार्टी सही है, आम आदमी पार्टी की बीजेपी? बीजेपी। समझ रहे हो? अरे वो तो केजरीवाल कह रहे थे कि मोदी जी कुछ पढ़े ही लिखे नहीं है, उनको कुछ आता नहीं है। क्या पढ़ाई लिखाई से नहीं होता, सोच समझ के होता, तजुर्बा है उनको, और वो चला भी अच्छे रहे हमारे देश को, इनने क्या उखाड़ लिया। पहले हमारी रेल के ऊपर भारतीय रेल, उत्तर रेलवे, पश्चिम रेलवे ये लिखा आता था, अब देखिए मेरा देश कितना बदल गया है। अडानी रेलवे सब कुछ, इससे अच्छे दिन और क्या आएंगे। केजरीवाल जी ने हमारा क्या कर लिया? मेरे हिसाब से आई डोंट लाइक दिस केजरीवाल, आई रियली डोंट लाइक दिस। मोदी इज द बेस्ट पर्सन। मोदी क्या अच्छा करते? मैं नहीं बताऊंगा। वो हमारे देश के लिए जो भी कुछ कर रहे हैं ना कुछ हमारे देश के लिए बनवा ही रहे हैं। कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता, सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। इस समय की सरकार बिल्कुल ही रख रही है, बिल्कुल ही हर चीज को एवरेज लेके चल रही है, बिल्कुल ही सही है। अच्छा, इस सरकार के किस कामों से आप बहुत ज्यादा प्रभावित? ये चीज बहुत सही पूछे हैं। ये फंस गया।
देखिए हम जो है इसके पहले अखिलेश जी की सरकार थी, मैं यहाँ से अलीगढ़, मेरा यहाँ से मतलब कि उसमें काउंसलिंग हुआ, मैं गया वहाँ पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे जो है ओबीसी कोटा के हम लोग छात्र हैं, मतलब सैनिश पटेल मेरा नाम है, ठीक है? ठीक है। सब यादव लोगों की छात्रवृत्ति आई ओबीसी कोटा में, क्या कि हम दे रहे हैं सिर्फ यादव लोग को दे दिए। भैया हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इतनी बुरी स्थिति हुई, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं कि मैं जो है दर दर की ठोकर खाया हूँ, मुझे पैसा नहीं था कि मैं जो है अपनी बैक पेपर भर सकूं। यार आप कब की बात कर रहे हो? 2012 की बात है, 2012 आज क्या चल रहा है? आज जो है 2023 चल रहा है। तो इधर के 6 साल में क्या आपके जीवन में बदलाव? हाँ, इधर के 6 साल में जो है मैं मेरे पिताजी कृषक हैं, उनके खाते में जो है पैसा आया 500। हाँ 500 नहीं, 2000, रुकिए 6000 रुपए, 6000 रुपए आया। मैं जो है कम से कम, मुझे पैसा नहीं था, मैं कम से कम सोचा कि किराया दे लूं, यहाँ पे रह के तैयारी करता था। उस 500 रुपए से आपका 6000 रुपए आया कम से कम। 6000 कितने दिन का? साल भर नहीं भैया, वो दो महीना, तीन तीन महीने पे आता है। अच्छा आप क्या कह रहे हैं कि ये जो 6000 रुपए मिलता है किसान सम्मान निधि योजना, ये आपके पिताजी को हर दूसरे तीसरे महीने 6000 मिलता है? जी वो जो आता है तीन तीन महीने पर आता है आई थिंक, तो उसी में जो है आया, तो कम से कम कुछ तो सपोर्ट मिला। 6000 मिलता है या 2000? वो 2000 आया था, उसके पहले किसान बीज वाला आया था, कुछ अलग टाइप का आया था। तो आप क्या कर रहे हैं अभी इस समय? तो फिलहाल तैयारी कर रहे हैं अभी तक। हाँ अभी तक तैयारी कर रहे हैं। कितने साल से? करीब जो है 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं। IAS PCS की पेपर देते हैं, इंजीनियरिंग के भी पेपर देते हैं, कभी कभी थोड़ा बहुत करीब जाते हैं, लेकिन देखिए स्ट्रगल करना अपनी जगह है और सफल होना अपनी जगह है। हर आदमी सफल तो होगा नहीं इसमें, हम अपने सरकार को दोस्त दे नहीं सकते, अपने सरकार को दोस्त दे नहीं सकते। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना आप? ऐसा मेरी राय मानिए, अब आप तैयारी छोड़ दीजिए। जब अभी तक आप यही हिसाब नहीं लगा पाए कि किसान सम्मान निधि महीने में कितना आता है, महीने में कितना आता है? किसान सम्मान निधि वाला वो 2000 आता है महीने का? महीने का नहीं आता है सर, वो आता है आई थिंक 6-6 महीने का आता है। ये भगवान क्या जुलुम है। अब आप बात यही है ना, जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो बेसमेंट में कपड़े बदलते। तो सरकार सब अच्छा कर रही है ना? हाँ इस समय में 370 राम मंदिर तो बड़ा काम, वो सब तो बहुत बढ़िया है। गजब बेइज्जती है। सरकार बदली, नीतीश और तेजस्वी साथ आए इसमें? इसमें नीतीश जी की बहुत भारी गलती है। अच्छा, प्रधानमंत्री आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगी बिहार में। ठीक है, महंगाई, सिलेंडर और ये सब का कोनो, अडानी, हिंडनबर्ग, ये सब झूठे। विपक्ष का सारा पुलिंडा है कि किसी तरह मोदी को मतलब बदनाम करके इसे हटाया जाए। समझ गया, महंगाई नहीं है, महंगाई तो सब चीज का महंगाई है। शराब बिक रहे इतने महंगे, काय खरीद के लोग पी रहे हैं? तो रुको जरा, सबर करो। पेट्रोल 100 रुपए, 105 रुपए है, तो उसमें हालत खराब है लोग की, महंगाई है, कोई बात नहीं। अच्छा, पिछले 8 साल में मोदी जी की सरकार का कोई 9 साल में कमी आपने देखी किसी मसले? कमी तो कुछ अभी नहीं है, मोदी जी ठीक चला रहे हैं, विदेश नीति भी अच्छी है उनकी। देश का यार मोदी जी के 3 अच्छा काम बता। एक तो देश और दुनिया में नाम ऊंचा करने को छोड़ दे, जम्मू में 370 लागू किए। आप बिहार गए, जम्मू से आप कश्मीर गए कभी? एक 370, दूसरा है आपको एक और प्रपोजल लाए, जनसंख्या कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल का, ये हम बहुत सराहनीय। आया नहीं है लेकिन आया तो बहुत अच्छा है। अभी तक जो किए वो 3 बढ़िया बताए। एक तो ये हो गया 370, दूसरा जो 3 तलाक है, दूसरा अच्छा काम किए हैं 3 तलाक के बारे में, और तीसरा मोदी जी अच्छा काम किए हैं जो G20 का ऑर्गेनाइज करेंगे, उस बहुत बड़ी उपलब्धि है। यही तीनों? हाँ तीनों। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हमारे एक सीनियर ने मुझसे कहा कि अरविंद इस देश का कुछ नहीं हो सकता। हमने कहा ऐसा ना कहे सर, कहीं एग्जाम्पल दे दू। मैंने कहा दो। एक आदमी जा रहा था, उसको बुलाया, बोले भैया आपको क्या लगता है इस देश की समस्याओं का समाधान? कहा हमको क्या पता क्या समाधान? कहा हमको पता है समाधान,
क्या 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 इस देश के सारे लोगों को जेल में भर दो और उनके साथ एक गधे को भी बंद कर दो। उस आदमी ने कहा कि गधे को क्यों बंद करोगे, तो मेरे सीनियर मेरी तरफ घूमे बोले देखे मैं तुमसे कहा था ना ये गधे की चिंता पहले ही करेगा। तो 370 चूंकि आप रहने वाले कश्मीर के नहीं, आपका कोई लेना देना डायरेक्ट नहीं है, लेकिन एक खुशी है, खुशी है, बहुत खुशी है। तीन तलाक, आप मुसलमान है नहीं ना मुस्लिम महिला, लेकिन आपको एक खुशी है। G20 से कोई लेना देना नहीं, G20 का मतलब क्या है या संगठन क्या है इससे आपका कोई लेना देना नहीं, लेकिन खुशी है। हाँ खुशी है। देखे मैं तुमसे कहा था ना। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।